मालेरकोटला देश मायसेवी जथेबंदी अदारा खिदमते खलक वालों चलाई जा रही मेडिकल एम्बूलेंस नू आज अंदोलनकारी किसान वीरां दी सहायता लई टिकरी बॉर्डर लई रवाना किया गया। इस मौके जमात इस्लामी हिंद सहारा मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अते सांझा विरसा वर्ल्ड फाउंडेशन दे वड्डी गिनती च 71 वर्करां नू संबोधन करदियां अदारा खिदमते खलक दे मुखी जनाब इश्तियाक रशीद ने दस्या है कि मुढ़ली मैडिकल सहायता लई लोड़ींदियां सारियां सहूलतां ते दवाइयां नाल लैस इह एंबूलेंस उस वेले तक धरनाकारी किसानां दी सहायता लई हाजिर रहेगी जदों तक के धरना जारी रहेगा। जमात इस्लामी हिंद दे मुखी मास्टर मुहम्मद नज़ीर अते सांझा विरसा वर्ल्ड फाउंडेशन दे रशीद मलिक ने आपो अपने संबोधन च यकीन दवाया कि ओह लोग किसान जथेबंदियां दीआं मंगां दी भरपूर हमायत करदे ने अते उन्हां वल्लों शुरू कीते अंदोलन नूं हर तरह नाल सहयोग दिंदे रहणगे। आज़ाद टीवी न्यूज़ दे लई मालेरकोटला तों मुहम्मद काजम दे नाल शाहिद जुबैरी दी रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद मालेरकोटला वल्लों अज इह साड़ी एक एंबूलेंस की सेवा किसान धरने दे विच जा रही है टिकरी बॉर्डर के उपर ता जो अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार ठमार हुंदा है किसी नूं कोई दिक्कत परेशानी हुंदी है ता असी ये अपनी एंबूलेंस की सेवा जिहड़ी है उत्थे सेवा निभाउण लई ये भेज रहे हैं। ये कुछ दिनों लई है या परमानेंट है? ये जी वैसे तो परमानेंट तौर पर ही है, जदों तक घोल चलेगा ये उदों तक यह साड़ी उत्थे सेवा जिहड़ी है वह रहेगी। कुछ दवाई हाँ ये असी कुछ जिहड़ी मुढ़ली सहायता है जिवें सर दर्द है बुखार है नज़ला खांसी वगैरह मुढ़ली जिहड़ी मैडिकल सहायता है वह दवाइया भेज रहे हैं नाल और ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह बीपी मशीन हार्ट बीट चैकर वाली मशीन तो यह पूरे मतलब जी है साजो सामान के नाल लैस जी गड्डी है असी अपनी गड्डी एंबूलेंस जी है जमात इस्लामी हिंद पंजाब वालों उस टिकरी बॉर्डर के उपर धरने के साडे किसान जथेबंदियों किसान भाइयों लई उन्होंने सेवा साड़ी ये जा रही है तो असी आस करते हैं कि असी इस संघर्ष के पूरा साथ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज जिहड़ा इस दौर के अंदर पूरी दुनिया का एक ऐसा सारा हिंदुस्तान वरप रहा है जिहड़ा कि किसानों के उपर जुल्म हो रहा है और किसानों की बेघर किया जा रहा है किसानों जमीनों तो इसलिए मुस्लिम भाईचारा खास तौर पर जमात इस्लामी हिंद उन्होंने नाल खड़ी है और जमात इस्लामी पंजाब की तरफ तो एक एंबूलेंस गड्डी जिहड़ी कि उस धरने वाली जगह पर पहुँच रही है। ये गड्डी जब तक ये धरना चलूगा ये गड्डी उत्थे ही लोगों की सेवा खातर कोई बीमार या किसी भी किस्म का किसी परेशानी है वो वास्ते ये गड्डी उत्थे खड़ी रहेगी और साढ़े लोग इस दफ्तर के थ्रू भी आम लोग भी उत्थे धरने शामिल होंदे रहेंगे और असी हर तरीके नाल इस धरने इस किसानों के नाल हाँ इस तहरीक के नाल जब तक ये धरना नहीं चक्या जाता बिल्कुल असी एक आवाज़ हो गए मुसलमानों के नाल खड़े हैं। मालेरकोटला हमेशा जिहड़ी कि हा दे नारे की धरती है इस धरती तो हमेशा जुल्म दे खिलाफ आवाज़ उठती रही है। उसे दे पसे मंजर दे विच अज जमात इस्लामी हिंद हलका पंजाब वालों टिकरी बार्डर ते भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जिहड़ी उत्थे पिछले 10 दिनों तो धरना दे रही है उन्हां दी मुढ़ली मैडिकल सहायता लई एंबूलेंस भेजी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां पंजाब दी सब तो वड्डी किसान यूनियन है और असी कल उत्थे जाके भी आए हाँ। उग्राहां साहब ने कहा है कि मैनू मालेरकोटला दे लोकां ते माण है और मैनू यकीन भी है कि मालेरकोटला दे वासी हमेशा पहलां दी तरह साडा हमेशा साथ दिंदा रहणगे। इसे दे पसे मंजर दे विच अज मालेरकोटला जिहड़ी हा दा नारे दी धरती है उस वल्लों एक एंबूलेंस टिकरी बार्डर ते भेजी जा रही है ता कि उत्थे खुदा ना खास्ता जे कोई मैडिकल सहायता की जरूरत पैंदी है तो ये एंबूलेंस साड़ी उन्ने दिन ही जिन्ने दिन वह धरना उत्थे चलेगा उन्ने दिन यह एंबूलेंस उत्थे सेवा करेगी।